हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो अकॉर्डिंग टू माय प्रीवियस वीडियो, मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अपना ग्रॉसरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जी हाँ, आज वो वीडियो आ गया है कि मैं आज आप लोग के साथ अपनी ग्रॉसरी वीडियो, वेजिटेबल्स वीडियो जो भी बोल दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है। मैं लिंक मिलेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि जब तक आप माइंड सेट नहीं करोगे वेट लॉस के लिए और जब तक आप चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं रखोगे, आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि रातों रात वेट लॉस का ख्याल आता है और रातों रात आप वेट लॉस कर लेते हैं। उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, कुछ घर में चीज़ें रखनी होती हैं। जस्ट लाइक जैसे कि आपको घर में दाल चावल बनाना होता है तो आप दाल चावल स्टोर करते हो, आपको घर में तड़का देना होता है तो आप उसकी चीज़ें स्टोर करते हो, उसी तरह वेट लॉस के लिए अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसकी चीज़ें अगर आप घर में नहीं रखोगे तो एक नॉर्मल सी बात है कि आप नॉर्मल चीज़ों पे जाओगे, जंक फूड पे जाओगे। मैगी रखी होगी तो आप मैगी बना के खाओगे, मल्टीग्रेन ब्रेड रखी होगी तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड की तरफ हाथ बढ़ाओगे। तो इसीलिए हेल्दी चीज़ें अपनी ग्रॉसरी में ज़रूर रखिए। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि आप भी अपने घर में हेल्दी चीज़ें रखें, जिससे कि आप जंक फूड, मैगी और पास्ता इन तरफ भागने से अच्छा है हेल्दी चीज़ें खाएं। हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो ऑटोमेटिक वेट लॉस महीने, दो महीने, तीन महीने में होता रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो, अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी विजिबल होगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और व्यूज़ इस समय बहुत कम आ रहे हैं, आई डोंट नो यूट्यूब का क्या इशू है, लेकिन फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे न्यू चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हाय फ्रेंड, तो दिस इज़ माय ग्रॉसरी जिसमें से कुछ अभी आया है, कुछ पहले से मंगाया है। और मैं बिग बास्केट इसलिए भी प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ ये हर चीज़ अवेलेबल करता है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे बीन्स कहाँ मिलेगी या ये ग्रीक योग कहाँ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ जो मैंने अभी रिसेंटली मंगवाई है दो तीन दिन पहले, वो है अर्बन प्लैटर का सब्जा सीड्स। चिया सीड्स भी मैं प्रेफर करती हूँ लेकिन सब्जा सीड्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और इसे जो है बेसिल सीड्स भी बोलते हैं, लेकिन बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा आपके वेट लॉस में। और आई थिंक इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, 350 लिखा है, लेकिन मुझे ये 350 का नहीं पड़ा था, कम का ही पड़ा था। और इसका जो वेट है वो 700 ग्राम है, तो 700 ग्राम काफ़ी दिन चलने वाला है, दो से ढाई, क्योंकि हाफ टेबल स्पून, वन टेबल स्पून एक दिन में लगता है। तो ग्रॉसरी का मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट ये है और अभी ये सब मॉर्निंग में ही आया है बिग बास्केट से। तो अगर मैं योग में बोलूँ तो आप हमेशा ही ग्रीक योग, मैं नेचुरल यूज़ करती हूँ, कोई भी फ्लेवर नहीं यूज़ करती हूँ, तो ग्रीक योग यूज़ करें। और आई थिंक इसका प्राइस है कुछ 45 रुपीज़ था 90 ग्राम का। तो इसका भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो अपलोड करूँगी कि विद सैंडविच से आप भी खा करके वेट लॉस कर सकते हैं। जी हाँ, सैंडविच भी बहुत हेल्दी होता है वेट लॉस के लिए, तो इसका भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगा। तो ये ग्रीक योग है और अभी मॉर्निंग में ही मैंने ये मल्टीग्रेन ब्रेड का पैकेट मंगवाया था जिसमें ऑलरेडी मैंने एक खाया था। तो एक से दो, कोई भी चीज़ की अति मत करिए, अगर एक से दो चीज़ खा रहे हो और इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, अलसी के बीज, ओट्स, तो ये आप खा सकते हैं। इसकी भी रेसिपी मैं आपको बताऊँगी। साथ ही साथ एज यू नो कि लौकी हमारे वेट, पेट के लिए कितना अच्छा है, वेट लॉस के लिए इससे अच्छा हेल्दी कोई भी चीज़ नहीं है। आई थिंक मान के चलिए एक बाउल में जो इसकी कैलोरी होती है वो 10-12 कैलोरी होती हैं। तो इस चीज़ को भी मैंने मंगवाया है और इसका भी वीडियो आएगा बहुत जल्दी कि कौन सी चीज़। और ये मेरे फेवरेट लेमन जो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, एंड अगेन माई फेवरेट दाल तड़का मसाला, माई फेवरेट दाल तड़का मसाला, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। नॉर्मल तो आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगा क्योंकि इधर मेरे इधर नहीं मिला था और इसका प्राइस है 62 रुपीज़ का और महीने डेढ़ महीने आराम से 100 ग्राम का चल जाता है क्योंकि हाफ टेबल स्पून ही आपको लगेगा ये, तो काफ़ी टेस्टी आपकी दाल हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। हाँ, जैसा कि मैं बोलती हूँ कि हमेशा मैं चाय या दूध का कोई शेक लेना होता है तो ये अपने घर में हमेशा स्टोर करती हूँ। एक पैकेट आराम से मेरा दो से तीन दिन चल जाता है, तो हो सके तो आप भी इसे लीजिए। और जिनको भी जरूरत होती है बॉडी में मिल्क की, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। माई फेवरेट कुकुम्बर्स फॉर सैलड, ये भी मैं
हमेशा स्टोर करती हूँ अपने घर में। एंड यस कैप्सिकम फॉर सैंडविचेस एंड ऑल, जैसे कि आपको चिल्ला बनाना है या कोई और मिक्स वेज में बनाना है तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अवेलेबल है। माय फेवरेट जिंजर जो मैं अपने ड्रिंक्स में यूज़ करती हूँ। एंड बीन्स, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके घर में हमेशा होनी चाहिए फॉर वेट लॉस। और मैंने साथ ही साथ पोहा भी मंगवाया है जो मैंने डिब्बे में स्टोर कर दिया है। ये पतंजलि का है और मैंने पतंजलि की ही जो कौन सी जौ दलिया आती है वो भी मैंने डिब्बे में स्टोर कर दी है। एंड मेरा क्योंकि मैंने मंगवाया तो बेसन भी था लेकिन ये थोड़ा सा फट गया है तो इसे मैंने एक पॉलीथिन में स्टोर कर दिया है। एंड अगेन ये मैं आप लोग साथ कर शेयर कर चुकी हूँ, माय नारियल पानी। तो इन सारी चीज़ों के हेल्प से मुझे वेट मैनेज करना, वेट लॉस करना काफ़ी हो इजी हो जाता है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होंगी तो आपका इधर उधर मन नहीं मानेगा। आपने छोटे छोटे पीसेस में जो है फाइनली अपनी सब्जियां कट की, बेसन है ही है, बेसन के साथ आपने चीला बना लिया। तो फ्रेंड्स देखा, ये है मेरी ग्रोसरी और बहुत सारी चीज़ें अभी मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी अलमीरा में रखा हुआ है, उसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो जब तक सारी चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं होंगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। और सारी चीज़ें घर में अवेलेबल रखिए, ब्रेकफास्ट से रिलेटेड, अपने लंच से रिलेटेड, अपने डिनर से रिलेटेड, अपने स्नैकिंग से रिलेटेड, क्योंकि स्नैक भी बहुत डिपेंड करता है आपके वेट लॉस एंड वेट गेन में। अगर आप सब कुछ हेल्दी खा रहे हो, स्नैक हेल्दी नहीं ले रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके वेट को बढ़ाएगा। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।